तो पॉइंट की बात ऐसी है कि द मोस्ट वॉयलेंट मैन सलार के गूज़बम्प देने वाले टीजर के अंदर वो कौन से 10 हिडन डिटेल्स और इनसेन रेफरेंस देखने को मिलते हैं जो मैड मैड सलार मूवी को मॉन्स्टर केजीएफ से कनेक्ट करता है। डिटेल नंबर 10 पोस्ट क्रेडिट सीन। अब जिस भी बंदे ने आंखें फाड़ते हुए फुल डिटेल के साथ केजीएफ चैप्टर 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन को देखा है तो उसमें दिखाया गया लोकेशन मिलिट्री बेस और वहाँ के बंकर सलार के क्लासी मासी टीजर के अंदर एग्जैक्ट देखने को मिलते हैं और उस लोकेशन के बंकर के ऊपर लिखा C516 कोड इस बात का जिंदा प्रूफ है। डिटेल नंबर 9 द जुरासिक पार्क। अब देखो ये मासी अटपटा डायलॉग सिर्फ सलार के बॉम्ब ब्लास्टिक इंट्रो तक ही लिमिटेड नहीं है। अगर जुरासिक पार्क को मूवी के कनेक्शन के साथ डिकोड करके देखते हो तो इससे प्रोबेबली क्योटिक सलार के टाइमलाइन का हमें पता चलता है क्योंकि ऑफिशियली जुरासिक पार्क 1993 में रिलीज हुई थी और टीजर के अंदर जितने भी ट्रक्स अटायर एम्यूनेशन गन्स दिखाए गए हैं वो 90s के एरा के सेमी ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी है। दैट मींस इसके 69% पॉसिबिलिटीज है। सलार मूवी के टाइमलाइन 80s और 90s के एरा के बीच में हो सकती है एग्जैक्ट रॉकी द मॉन्स्टर के गायब होने के बाद से और लॉजिकली केजीएफ चैप्टर 2 का पोस्ट क्रेडिट सीन इस बात का सेंस भी बनाता है। डिटेल नंबर 8 इंटरनेशनल माफिया। अब देखो टीजर के स्टार्टिंग में ही ये बात कंफर्म हो जाती है इस बार सलार का भौकाल से भरा गेम इंटरनेशनल होने वाला है और इन अफ्रीकन गैंगस्टर और माफिया का एग्जिस्टेंस चौड़े में दिखा रहा है कि बहुत ही बड़े लेवल के थ्रेट्स मूवी के अंदर होने वाले हैं क्योंकि इन माफिया के अलावा भी एक लीथल प्राइवेट आर्मी भी इस मूवी के अंदर एग्जिस्ट करती है जिन्हें टीजर के अंदर सलार चीर के फाड़ रहा है। डिटेल नंबर 7 केजीएफ चैप्टर 1। अब देखो इस बात के 50-50 चांसेस है कि सलार के टीजर के अंदर दिखाए गए ये जलती मशाले सीधे सीधे कल्ट क्लासिक केजीएफ के चैप्टर 1 के क्लाइमेक्स से कनेक्ट हो सकती है जहाँ पे रॉकी भाई ने गरुड़ा को उड़ा दिया था और मे बी टीजर के अंदर का टीनू आनंद का जो कैरेक्टर है वो एक जमाने में केजीएफ के नराची में रॉकी के टाइमलाइन में प्रेजेंट था जहाँ पर सारे स्लेव्स फ्री होने के बाद टीनू आनंद का कैरेक्टर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। डिटेल नंबर 6 वर्दा राजा मानर। अब देखो इस टीजर को देख के एक बात तो कंफर्म हो चुकी है एटलीस्ट पार्ट 1 सीज फायर के अंदर सलार जिसका मीनिंग कमांडर होता है वो पार्ट 1 में किसी भी एम्पायर पे रूल नहीं कर रहा है तो इसके बहुत ही बड़े लेवल की पॉसिबिलिटी हो जाती है कि पृथ्वीराज सुकुमारन का जो वर्धा राजा मानर का कैरेक्टर है मे बी प्रभास का कैरेक्टर सलार उसके अंडर काम करता हो या उसका जिगरी फ्रेंड हो सकता है या भाई भी हो सकता है जो प्रोबेबली एंड में जाके एक मेक के कट्टर दुश्मन बनेंगे या फिर केजीएफ के माँ के इमोशन की तरह सलार मूवी का मेन कोर भाई का इमोशन हो सकता है। एक दिन दुनिया का सारा सोना तो मिला कर दूंगा माँ। डिटेल नंबर 5 ओल्ड मैन रॉकी। अब देखो सलार के पार्ट 1 के अंदर रॉकी द मॉन्स्टर का रेफरेंस या कैमियो देखने को मिलेगा या नहीं इसका आइडिया जब तक ट्रेलर नहीं आता तब तक लगा नहीं सकते बट 78 से लेके 81 तक की रॉकी भाई की जो मिस्टीरियस टाइमलाइन है वो एक लॉजिकल सिनेरियो बन सकता है जहाँ पे सलार और रॉकी भाई का कनेक्शन दिखा सकते हैं और इसके अलावा सलार का लुक टीजर के अंदर बहुत ही यंग लॉन्डे की तरह दिखाया है तो ये भी पॉसिबल है कि सलार केजीएफ 2 का वो बंदा हो जो फरमान के नाम से वहाँ एग्जिस्ट करता था और मूवी के चालू टाइमलाइन में मिडिल एज रॉकी मूवी के क्लाइमैक्स में सलार से टीम अप कर ले या फिर मूवी के अंदर फ्लैशबैक के जरिए केजीएफ के डिलीटेड सीन को सलार से कनेक्ट करते हुए रॉकी भाई की एग्जिस्टेंस दिखा दे। डिटेल नंबर 4 नराची ऑफ सलार। अब देखो कल्ट क्लासिक केजीएफ मूवी सीरीज एक्चुअली बेस्ड थी कोलार गोल्ड फील्ड के गोल्ड माइंस पर जिसके मेन गेट का नाम नराची था बट इसके 99% चांसेस है सलार में गोल्ड माइन को रिप्लेस करते हुए लिथियम के माइंस को बेस बनाते हुए मूवी के डार्क वर्ल्ड की स्टोरी टेलिंग की जाएगी और टीजर के अंदर डेंजर के साइन के साथ एलेक्सम यानी लिथियम माइन इस बात का प्रूफ है सलार में लिथियम के माइंस पर रूल करते हुए एम्पायर बनाए जाएंगे क्योंकि सलार के टाइटल फॉन्ट को तुम आंखें फाड़ के देखोगे तो वो लिथियम के मेटल की तरह नजर आते हैं केजीएफ के गोल्डन फॉन्ट की तरह। डिटेल नंबर 3 सीज फायर। अब देखो दिमाग की घंटी बजा देने वाला क्वेश्चन ये है कि मेकर्स चाहते तो केजीएफ की तरह सलार को भी चैप्टर 1 पार्ट 1 कह के भी प्रेजेंट कर सकते थे बट सलार के पार्ट 1 को फ्रीकिंग सीज फायर कहकर स्ट्रॉन्गली मेंशन किया गया है जिसका क्लियर कट मतलब यही निकलता है कि मूवी का डेडली क्लाइमैक्स एक ऐसे क्लिफहैंगर पे एंड होने वाला है जहाँ पर एक्चुअली में मूवी का थानोस कौन होगा ये हमें पता चलने वाला है। डिटेल नंबर 2 रेबल सलार। टीजर के अंदर जो डेडली कैरेक्टर होता है सलार का जैसे कि मैंने टीजर रिव्यू में कहा था कि वो किसी वन मैन आर्मी से कम नहीं वो किसी एक ट्रेन सोल्जर की तरह आर्मर गन्स का यूज करता है वही तलवार से किसी बुचर कसाई वॉरियर की तरह सबको काट के भी फेंकता है बट किसी सोल्जर की तरह सिस्टमेटिकली और इसके 69% चांसेस ये है कि फरमान ही वो रेबल कमांडर सलार हो सकता है क्योंकि फरमान को केजीएफ में ट्रेन होते हुए पूरे इंडिया ने देखा है। और डिटेल नंबर 1 सलार की वर्ल्ड
बिल्डिंग, जो इस बात को डैम श्योर कंफर्म करती है कि सरदार केजीएफ यूनिवर्स का फकिंग पार्ट है, क्योंकि किसी भी सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर कोई भी मूवी एक मेक से इंटरकनेक्ट होती है, तो उन मूवीज के सिनेमेटोग्राफी विजुअल स्टाइल काफी हद तक सेम होते हैं। तो ये थे माइंड ब्लोइंग अमेजिंग 10 हिडन डिटेल्स सलार के सिनेमैटिक बॉम्ब से भरे टीजर के, जो लॉजिकली सलार को केजीएफ से कनेक्ट करते हैं। पर इसके अलावा सलार के टीजर से रिलेटेड कोई और डिटेल या फैन थ्योरीज तुम्हारे माइंड को ब्लास्ट कर रहे हो तो वो कमेंट करके बता सकते हो। तब तक के लिए जीबीएफ का ये वीडियो तुम्हें दिल पे लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, ज्यादा बात करनी हो तो इंस्टाग्राम और ट्विटर पे आ जाना। तब तक मैं मिलता हूँ किसी नई कॉन्टेंट के साथ, टेक केयर, गुड बाय। Not in Jurassic Park.